तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन रियलमी 3 प्रो के बारे में, जिसके लॉन्चिंग डेट को लेकर रियलमी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। तो इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दो और चले जाते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में। तो रियलमी ने पिछले महीने यानी कि मार्च में रियलमी 3 को लॉन्च किया था और रियलमी 3 के लॉन्चिंग इवेंट से पहले एक टीजर आउट किया था, जिसे देखकर ये तो पता चल गया था कि कंपनी रियलमी 3 के साथ रियलमी 3 प्रो को भी लॉन्च करने वाली है। मगर रियलमी 3 के लॉन्चिंग इवेंट में रियलमी 3 प्रो को लॉन्च नहीं किया गया, पर Realme 3 के लॉन्चिंग इवेंट के दौरान इतना तो क्लियर कर दिया गया कि Realme 3 Pro अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा। पर Realme 3 Pro अप्रैल में किस डेट में लॉन्च होने वाली है, इसको लेकर कुछ भी क्लियर नहीं करा गया था। तो फिलहाल Realme ने एक टीजर आउट किया है, जिसे देखकर ये तो कंफर्म हो जाता है कि Realme 3 Pro 22 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। तो Realme 3 Pro सीधे कम्पीट करने वाला है Redmi Note 7 Pro को। साथ ही Realme 3 Pro में हमें Snapdragon 710 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि Realme के सीईओ माधव सेठ ने एक इमेज ट्वीट करा है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्मार्टफोन में फोर्टनाइट चल रहा है। तो इस इमेज को ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि Realme 3 Pro इस सेगमेंट में फोर्टनाइट सपोर्ट करने वाला पहला स्मार्टफोन है, जिसमें हमें आउट ऑफ द बॉक्स फोर्टनाइट का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो Realme 3 Pro में हमें Snapdragon 710 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये इसलिए कंफर्म हो जाता है क्योंकि Snapdragon 700 की सीरीज ऑफिशियली फोर्टनाइट को सपोर्ट करती है। साथ ही कई सारे लीक्स रिपोर्ट भी आ चुकी है कि Realme 3 Pro में हमें Snapdragon 710 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो अब ये बात कंफर्म हो जाता है कि Realme 3 Pro में हमें Snapdragon 710 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो प्रोसेसर के मामले में Realme 3 Pro Redmi Note 7 Pro को बीट करता है, क्योंकि Redmi Note 7 Pro में हमें Snapdragon 675 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो बात करें अगर Realme 3 Pro के कैमरे की, तो इसमें हमें डुअल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहां प्राइमरी कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का हो सकता है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्मार्टफोन में हमें Sony IMX 519 का कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है और ये वही कैमरा सेंसर है जो OnePlus ने अपने OnePlus 60 में यूज करा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि एक फ्लैगशिप लेवल कैमरा सेंसर हमें एक बजट सेगमेंट वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। साथ ही Realme 3 Pro का सेकेंडरी कैमरा एक डेप्थ सेंसर होने वाला है, जिसके हेल्प से हम पोर्ट्रेट इमेजेस क्लिक कर सकेंगे। बात करें अगर स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो इस स्मार्टफोन में हमें ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, मगर डिस्प्ले कितने इंच का होगा इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। मगर यहाँ डिस्प्ले में प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी की, तो इसमें हमें 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल सकता है, जो कि ओप्पो के वो फ्लैश चार्ज को सपोर्ट करेगा, जिसके हेल्प से स्मार्टफोन काफी तेजी से चार्ज होने वाला है। साथ ही ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है, जहां पहला जो वेरिएंट होगा वो 4 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला होगा। साथ ही दूसरा जो वेरिएंट होगा वो 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला है। इसके साथ ही इसका तीसरा जो वेरिएंट होने वाला है वो 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला है। तो प्राइस के बारे में बात करें, तो Realme 3 Pro की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 15,000 के अंडर में ही होने वाली है। तो लीक स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी Realme 3 Pro की जो प्राइस है वो आखिरकार कितना रखने वाली है। तो ये था Realme 3 Pro को लेकर एक छोटा सा अपडेट। तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से Realme 3 Pro की जो प्राइस है वो आखिरकार कितना होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपका किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और इसी तरीके के स्मार्टफोन से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।